अच्छा बच्चे सुनो, हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों, कुछ फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कुछ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और कुछ फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग विद इन दैट वो दिया जाता है। लिसन, यहाँ पर ये ओनली इंक्रीजिंग है, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली इंक्रीजिंग है, मीन्स यहाँ पर ऐसा गया फिर यहाँ पर ये क्या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन भी जीरो हुआ और एफ डैश एक्स इक्वल टू भी जीरो हुआ, यहाँ पर इक्वल होता है, ये पैरेलल होता है। ओके, एफ डैश एक्स जानते हो तुम्हारा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तुम्हारा लॉग एक्स का ग्राफ वाई इक्वल लॉग एक्स हो, वाई इक्वल ई टू द एक्स हो, वो सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तुम्हारा डिक्रीजिंग है ओनली डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू भी होता है। ओके, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और बच्चों ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, सपोज ये अगर ये तुम्हारा ऐसा देता है यहाँ से यहाँ तक ओनली इंक्रीजिंग है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ओनली इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, अगर यहाँ तक है तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अगर एक ये में पर्टिकुलर ये में ये डिक्रीज भी करता है और इंक्रीज करता है यहाँ से ये बोलता है तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ओके, तो हमारा कि समझ जैसे ग्राफ है यहाँ पर, ओके ये तुम्हारा एफ डैश एक्स क्या होता है ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग, ये एफ डैश एक्स लेस देन जीरो इस इंटरवल में, पहला इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है, जनरल क्रिटिकल पॉइंट्स आर मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट है, इस फंक्शन में वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट में, क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इस पॉइंट वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। उसके बाद तुम्हारा एक है ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है और विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, तो कुछ क्वेश्चन है हम करते हैं। अब वैरायटी का तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का टेस्ट ये है, ये पहला कि ये वाला दे रहा है बच्चों, ये बच्चों ये तुम्हारा ऐसा से विदाउट डेरिवेटिव में ये देखा जाता है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, एक्स वन लेस देन एक्स टू है, अगर एफ एफ एक्स वन लेस देन एफ एफ एक्स टू है देन ये तुम्हारा इंक्रीजिंग है। ओके, सो लिसन, ये एक तो क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू सेवन एक्स माइनस थ्री है, तो तुम्हें क्या करो कि पहला तुम्हें क्या करोगे, ये इंक्रीजिंग है या नहीं है कि देखना विदाउट, हाँ विदाउट डेरिवेटिव में, ये एक तो फास्ट मेथड है वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट, पहला ले लो एक्स वन लेस देन कितना एक्स टू अपने से ले लोगे। ओके लेट, उसके बाद यहाँ पर क्या करो, सेवन इधर इंटू करो, इधर भी सेवन इंटू करो, नेक्स्ट सेवन एक्स वन इधर भी माइनस थ्री करो, सेवन एक्स टू इधर भी माइनस थ्री करो, देन ये बना क्या एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन लेस देन क्या एफ ऑफ एक्स टू, जब ऐसा बनता है हेंस द फंक्शन इज व्हाट इंक्रीजिंग, अगर एक्स वन लेस देन एक्स टू के और ये अगर सेम हाँ अगर एफ ऑफ एक्स वन अगर ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू हो तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगा क्या डिक्रीजिंग होगा। ओके, ये एक तो टेस्ट है अगर तुम्हारा कि वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट, वही तुम्हारा एग्जाम्पल में एक दिया, तो बुक का पहला क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो, इधर ये एफ ऑफ एक्स ये एक ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा ग्राफ है
fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। बच्चों पहले क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट जनरल मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट है। पहले एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स करो, इसका आएगा कितना, कितना 2x क्यूब है, कितना आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 हुआ। उसके बाद क्या करोगे टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, क्या करो से एफ डैश एक्स को जीरो करो, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 36 इक्वल टू क्या जीरो। 6 डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, इसे फैक्टराइज करो, ये से फैक्टराइज करो, और ये तुम्हारा क्या आएगा 6 को 2 एंड 3, क्या फैक्टराइज करने से x माइनस 3 और x प्लस 2 ना, क्या ना ठीक है, तो इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू एक तो आया प्लस 3 और एक तो माइनस 2। उसके बाद इसको जनरली ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, x का क्या है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे बच्चों। ओके सजाने के बाद सुनो, यहां पर एफ डैश एक्स टेस्ट करो, एफ डैश एक्स 3 टू एक ऐसा इनप्रिंट ऐसा होता है बच्चों, ये क्रिटिकल पॉइंट है जनरली, ये माइनस 2 या ऐसा आएगा, ये x का ऐसा ग्राफ होता है तो ये माइनस 2 या 3 ऐसा आता है, तो ऐसा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट ये आता है तुम्हारा, इसे मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट आता है। अच्छा देखो एफ डैश एक्स का यहां पर कोई एक 4 या 5 लेकर चेक करो, इधर 4 या 5 एक तो लेकर चेक करो, प्लस आता है कि माइनस आता है, देखो सब 4 लेते हैं, अब बच्चे 4 लेते हैं देखो क्या आ रहा है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा श्योर, तो ये प्लस आएगा, तो उसके बाद जनरल नेगेटिव आता है इसे प्लस आता है, फिर भी चेक कर लो माइनस 2 और 3 के बीच में 0 लेके देखो, 0 इसलिए लिया क्योंकि जल्दी होगा कैलकुलेशन, 0 लिखो, ये 0 ये 0 नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद इधर माइनस 3 लेके देखो ये प्लस आएगा। ओके तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0, इधर एफ डैश एक्स फिर ग्रेटर देन 0। ओके अच्छा बच्चों ये क्या था तुम्हारा माइनस 2 था, अभी क्या करो तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहां से कहां, 3 टू इंफिनिटी, 3 को इंक्लूड मत करना बच्चों क्योंकि जनरली क्रिटिकल पॉइंट में वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग यूनियन, और कहां माइनस इंफिनिटी से माइनस 2। ओके द फंक्शन इज डिक्रीजिंग माइनस 2 से 3, लिखोगे द फंक्शन इज डिक्रीजिंग माइनस 2 से 3, ये इंक्लूड नहीं रहेगा बच्चों क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। ओके अच्छा बच्चों पहले हम सब ट्रिगोनोमेट्री का करते हैं, उसके बाद ये अलजेब्रा वाला करते हैं, वैरायटी का है, पहले जितने सब ट्रिगोनोमेट्री का है देखो, कभी कभी इसके बाद जो है मैक्सिमम मिनिमम इसी में ही बच्चा निकलता है। सपोज एक फंक्शन है यहाँ पर इंक्रीज किया, सुनो एक फंक्शन है ये तुम्हारा 3 जनरल क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है, तुम्हें अगर बोलता है कि यहाँ पर 3 से ये इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, अगेन माइनस 2 से माइनस 3, माइनस 2 से माइनस 3 डिक्रीज कर रहा है, माइनस 2 से माइनस 3 डिक्रीज कर रहा है, 3 से इंक्रीज कर रहा है, सो लिसन, तो 3 कौन सा पॉइंट बनेगा, मिनिमम पॉइंट ना मैक्सिमम पॉइंट, माइनस 2 से माइनस 3 डिक्रीज किया, 3 आने के बाद फिर इंक्रीज किया, तो 3 इज व्हाट मिनिमम पॉइंट। अगर कभी कभी बोलते हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है
तो ये 3 का f ऑफ 3 फाइंड करोगे, पर f ऑफ 3 मींस फंक्शन में पुट करोगे, फंक्शन ये तुम्हारा मिनिमम पॉइंट है, तुम्हारा ये तो 3 मिनिमम पॉइंट कैसे पता चला, यहां पर -2 से 3 डिक्रीज किया फिर 3 से इंक्रीज किया, तो ये 3 है मिनिमम पॉइंट है, और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू जब बोलता है तो f ऑफ 3 पुट करोगे। ओके यहां पर तुम्हारा क्या -2 से तुम्हारा हां ये माइनस इनफिनिटी से -2 क्या क्या माइनस टू से कितना माइनस इनफिनिटी से कितना -2 क्या क्या इंक्रीज किया, इंक्रीज करने बाद फिर -2 से 3 क्या हुआ डिक्रीज किया, तो -2 कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम। एग्जाम में अगर फॉर बोलता कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, डिट्टो मेथड करना है मेरा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निकालना डिट्टो मेथड, और एक भी है, और एक भी मेथड है कि f डैश x इक्वल 0 करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या f डैश डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 तो ये मिनिमम पॉइंट है। ओके और f डबल डैश x लेस देन 0 तो मैक्सिमम पॉइंट है, ये पॉइंट है और वैल्यू में अंतर है, वैल्यू अगर बोलते हैं तो ऐसे f ऑफ 3 पुट करोगे, f ऑफ -2 पुट करोगे, ये वैल्यू है, दो टेस्ट है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। अगर ये तुम्हारा डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो ये मिनिमम पॉइंट है, अगर ये इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद वैल्यू, ये डिट्टो मेथड है, सेम मेथड है। ओके कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही फंक्शन में कैसे डिक्रीज किया फिर से डिक्रीज किया, मीन्स ऐसा होता है कि पहला एक इंटरवल में डिक्रीज हुआ माइनस हुआ फिर से उसके बाद भी माइनस हुआ, देन ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्यूब अगर इसका ग्राफ बना जाएगा, पहला इसका डिक्रीज कर रहा है 0 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, एक ठो एक्स एक्सिस को टच करता है, फिर और एक ठो तुम्हारा ऐसे फिर से वो डिक्रीज कर रहा है, तभी ये बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ एक ऐसा ग्राफ होता है कि एक बार इंक्रीज किया फिर से इंक्रीज किया, तो ये पॉइंट को क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स लेस देन 0 देन ये कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, और ये एफ ऑफ ये पुट करोगे तो वैल्यू आएगा। ओके जो भी हो फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, डिक्रीज किया फिर से डिक्रीज किया, इंक्रीज किया फिर से इंक्रीज किया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके ठीक है, ये इस यहां से के बाद ही है, बस ये लिख दिया तो बच्चों यहां पर देखो तो स्ट्रिक्टली प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई से 2 पाई अगेन आइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग 0 टू 2 पाई। देखो एक्चुअली हमारा एफ एक्स का ग्राफ जो है कॉस एक्स का जो ग्राफ कॉस 0 डिग्री कितना 1 कॉस 90 0 अगेन कॉस पाई द्वारा -1 कॉस 2 कॉस 3 पाई बाय 2 0 अगेन कॉस 2 पाई ये द्वारा 1। देखो बच्चों तुम देख रहे हो कॉस एक्स का ग्राफ जो है 0 टू पाई क्या कर रहा है, अरे 0 टू पाई 0 टू पाई क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कहां पर कर रहा है पाई से कितना 2 पाई तक क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, फिर तो 0 टू पाई क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, पाई से 2 पाई क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और 0 टू 2 पाई क्या कर रहा है 0 टू 2 पाई क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज करता है। अगर एक फंक्शन एक ही पर्टिकुलर रेंज में इंक्रीज डिक्रीज करता है वहां पर लिखोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके ये ग्राफ में तो पता चल रहा, फिर भी हम इसको डेरिवेटिव मेथड में करेंगे। द एफ एक्स इक्वल क्या दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, पहला एफ डैश एक्स निकालोगे डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का सभी तुम्हारे एएसटीसी में आएगा,
सभी बच्चों एएसटीसी में आएगा, 0 to π/2, ये पाई और क्या 3π/2 और ये 2π। एएसटीसी पता है 0 to π/2 ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस फॉर यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव अदर्स आर नेगेटिव, और यहाँ पर टैन एंड कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और क्या सेक पॉजिटिव है अदर्स आर नेगेटिव। देखो पहला तुम्हें बच्चों तुम्हें एफ डैश एक्स के ऊपर लेना है, कहा पहला इंटरवल बोल रहा है क्या, फास्ट क्वेश्चन 0 to π बोल रहा है, 0 to π ओके बोल रहा है। देखो बच्चों पहला एफ डैश एक्स के बारे में बोल रहा है, पहला हमारा एफ डैश एक्स देखो इधर क्या है साइन एक्स है बच्चों, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 इन 0 to π, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π, येस और नॉट। अरे 0 to π साइन एक्स का पॉजिटिव है कि नहीं, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ पर, 0 to कितना π, येस और नॉट। देन माइनस साइन एक्स, जब माइनस मल्टीप्लाई करते साइन क्या होता है लेस देन 0, येस और नॉट। अच्छा माइनस साइन एक्स के बदले क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन वर्ड 0 to π। ओके लिखो इंटरवल बहुत जरूरी है, पहला एफ डैश एक्स के ऊपर जाना है, सब कुछ एफ डैश एक्स के ऊपर है, तो तुम्हारा पहला साइन एक्स का गया माइनस साइन एक्स किया। ओके सो यह जब लेस देन 0 हेंस तुम्हारा जो कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कितना 0 to π। ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है π to 2π। देखो सेकेंड बिट एक्स बिलोंग्स टू तुम्हारा π to 2π। अच्छा बोलो पहला एफ डैश के ऊपर ही जाना है बच्चों, पहला साइन एक्स π to 2π क्या होता है बच्चों, बोलो साइन एक्स का π to 2π क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है नेगेटिव, लिखोगे हाँ यहाँ टैन कॉट टैन और कॉस पॉजिटिव है, लिखोगे साइन एक्स लेस देन 0 नेगेटिव होता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कितना π to 2π। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो क्यों करोगे, अरे भाई क्यों करोगे, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स लिखना है, ये माइनस साइन एक्स होने के बाद तो उसके बदले में क्या लिखना है, माइनस साइन एक्स होने के बाद उसके बदले में एफ डैश एक्स लिखना है, तो इसलिए तुम्हारे माइनस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन एक्स जब मल्टीप्लाई किए साइन चेंज होगा और अभी एफ डैश एक्स फॉर्म में आ गया, एफ डैश एक्स क्या तुम्हारा ग्रेटर देन क्या 0, माइनस साइन एक्स हमारा आया था एफ डैश एक्स, इसीलिए माइनस मल्टीप्लाई करके उसके बदले में एफ डैश एक्स लिखा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्या इन पाई से 2π हेंस तो लिखोगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल क्या कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स इन पाई से कितना 2π। ठीक है बच्चों नेक्स्ट थर्ड बिट बच्चों लिखोगे तो कॉस एक्स जो है डिक्रीजिंग कहाँ 0 to π एंड इंक्रीजिंग कहाँ पाई से 2π, दैट्स वाई इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2π। लिखो कि एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स इट इज डिक्रीजिंग इन 0 to π एंड इंक्रीजिंग इन π to 2π, हेंस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स थर्ड बिट जो है इट इज डिक्रीजिंग इन 0 to π एंड इंक्रीजिंग पाई टू कितना 2π, हेंस एफ एक्स इज और एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स इज क्या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग Neither increasing nor decreasing
एन जीरो टू टू पाई, एन जीरो टू टू पाई, ठीक है बच्चों। तुम्हारा बुक में पहला ये दिया था, तुम्हारा एक ग्राफ दिया था, ये वाला ग्राफ, तब टेक्स्ट बुक में ये वाला ग्राफ जो दिया था, अगर एक पर्टिकुलर ये में इंक्रीज डिक्रीजिंग करता है तो नाइदर इंक्रीजिंग और क्या, अगर एक फंक्शन पर्टिकुलर इंक्रीज एंड बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग करता है ये में इंटरवल में, तो नाइदर इंक्रीजिंग क्या नॉ डिक्रीजिंग होता है। अच्छा बच्चों देखो, साइन एक्स के बारे में, तुम्हारा साइन एक्स के बारे में, साइन जीरो डिग्री क्या जीरो, साइन नाइनटी कितना वन, साइन पाई अगेन जीरो, तो देख रहे हो तो जीरो टू पाई बाई टू क्या कर रहा है, साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, अगेन पाई टू पाई क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, अगर जीरो टू पाई इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है इसलिए वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ओके। लेकिन हमें एफ डैश एक्स में करना है, जो भी चेक करना है एफ डैश एक्स का, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा साइन एक्स है, देन एफ डैश एक्स करो डेविड साइन एक्स कॉस एक्स है, तो पहला ए एस टी सी रूल इसमें थोड़ा अप्लाई होगा, ओके। ए एस टी सी रूल जीरो टू पाई बाई टू लिखोगे कॉस एक्स, यहाँ पर जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स क्या होता है, लिखोगे कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो वैन एक्स बिलोंग्स टू कितना जीरो टू पाई बाई टू, ये ओपन रहेगा बच्चों, पाई जीरो पाई बाई टू इंक्लूड नहीं करो, क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो जीरो टू पाई बाई टू वो तुम्हारा क्या होता है इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है जीरो टू पाई बाई टू, देन कॉस एक्स के बदले में क्या लिखोगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब ग्रेटर देन जीरो हैंस पर एफ एक्स जो है साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन जीरो टू कितना पाई बाई टू। नेक्स्ट बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई टू से पाई, देखो क्या करोगे कि सेकंड बिट एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा, हाँ तो हमारा क्या करोगे कॉस एक्स क्या होता है यहां पर बच्चे इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई टू से पाई कॉस एक्स क्या होता है, अरे भाई बोलो सेकंड क्वाड्रेंट एस टी रूल में लिखोगे कॉस एक्स लेस देन जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कितना पाई बाई टू से पाई, जब एक्स का वैल्यू पाई बाई टू से पाई के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव होता है कॉस एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। देन कॉस एक्स के बदले में क्या लिख दोगे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, देन तुम्हारा तो एफ एक्स जो साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कितना पाई बाय टू से पाई। नेक्स्ट क्या बोलोगे, सिंस एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या होगा कि इंक्रीज भी करता है और क्या डिक्रीज करता है, हेंस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। थर्ड बिट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाय टू एंड डिक्रीजिंग पाई बाय टू से पाई, हेंस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग, हेंस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, हेंस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई, ठीक है बच्चों। तुम्हें क्या करोगे x का जो वैल्यू यहां पर जो दिया इंटरवल, x का वैल्यू कितने से दिया जीरो से कितना पाई बाई टू, ओके। हमें लेकिन 3x का देखना है, क्योंकि अभी यहां पर जब एफ डैश एक्स करेंगे पहला 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, फास्ट चेन रूल आएगा, 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 आएगा, ओके। थ्री एक्स का थ्री डे आएगा, डेरिवेटिव साइन थ्री एक्स का क्या आएगा
cos 3x, ओके 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा एंड sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x आएगा। तो बच्चों हमें तो जो चेक करना है f डैश x 3x का ऊपर चेक करना है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना, उसको भी 3x बनाना पड़ेगा। यहां पर जो x है ना उसको 3x में बनाना पड़ेगा। इधर 3 इनटू करो, इधर भी 3 इनटू करो, इधर भी 3 इनटू करो, क्योंकि तुम्हारा थीटा जो 3x है अभी आराम से हो जाएगा। हमें f डैश x पॉजिटिव या ना ये देखना पड़ेगा। वो बोला कि फाइंड द इंटरवल विच द गिवन फंक्शन इज sin 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाय 2। तो हमें इंटरवल निकालना है। सुनो, जहां पर बात है इंटरवल के बात है, पहले हमें उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। उस क्रिटिकल पॉइंट से पता चलना है कि कहां से कहां इंटरवल पूछता है। जहां पर पूछता है ये फाइंड द इंटरवल विच द फंक्शन इज, हमें तो कहां से कहां, वहां पर प्रीवियस ईयर में दे दिया था इंटरवल sin x cos में, वहां पर इंटरवल दिया था क्या 0 टू पाई बाय 2 ऐसे बोल के इंटरवल दे दिया था, लेकिन यहां पर इंटरवल दिया है नहीं है। वो बोला 0 टू पाई बाय 2 में चेक करो कहां पर वो इंक्रीजिंग हो रहा है, कहां पर डिक्रीजिंग, यहां पर इंटरवल नहीं दिया है। तब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके तुम्हें इंटरवल तुम्हें फाइंड करना है। देखो पर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना है पहले, अच्छा यहां पर तुम्हें जो चेक करना 3x करना 0 टू पाई बाय 3 पाई बाय 2 तक चेक करना, क्योंकि हमारा जो सब भी कुछ बात है तार किसका ऊपर 3x है। यहां पर इंटरवल नहीं दिया तो हमें इंटरवल निकालना है बाय क्रिटिकल पॉइंट। टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट क्या करो, हाँ f डैश x इक्वल टू 0 करना है, मतलब 3 cos 3x इक्वल टू 0, ओके। देन तुम्हारा बच्चों ये 3 कांस्टेंट है, 0 से डिवाइड हो जाएगा, ओके 0 आएगा। अच्छा बच्चों cos का कहाँ कहाँ 0 डिग्री है, cos का कहाँ कहाँ 0 डिग्री है, तो यहां पर cos 3x, सुनो cos 90 cos 90 0, तो एक तो देखो पाई बाय 2 लो, अच्छा एक तो पाई बाय 2 लो, तो तुम्हारा ये cos पाई बाय 2 कितना, cos पाई बाय 2 0, देन तुम्हारा 3x इक्वल टू कितना पाई बाय 2, हमें x में निकालना है 3x इक्वल टू पाई बाय 2, देन x इक्वल टू कितना पाई बाय 6, x का क्या आ रहा है हमें, क्योंकि x का ही दिया है इंटरवल, हमें जो है दिया है x का ही दिया है, x का ही हमें निकालना है, x में ही निकालना है, ओके। लेकिन चेक करना है पॉजिटिव जो है नेगेटिव है cos 3x में चेक करना है। तो x का एक तो क्रिटिकल पॉइंट पर आया बच्चों, अच्छा बच्चों और एक कहां पर ये हो रहा है जीरो, और कहां पर cos का 0 हो रहा है cos 270, अरे cos 270 0, ओके। तो तुम्हें क्या करो और एक cos 3x इक्वल टू cos 3 पाई बाय 2, अगेन तुम्हारा 3x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, तो x इक्वल कितना पाई बाय 2, ओके वहां पर भी 0 हो रहा है। तो तुम्हारा ये जो x में, x में क्या हो रहा है, x में हमारा ये था x में दिया था 0 टू कितना पाई बाय 2 में चेक करना है, एक क्रिटिकल पॉइंट कितना है पाई बाय 6 x में, 3x में हम चेक करेंगे लेकिन x के बारे में बोल रहा है, 0 टू पाई बाय 2 चेक करना था। तो x में क्या हो रहा है हमारा, ये जो हम लिए 3x में लिए, 3x में 0 टू 3 पाई बाय 2 हो रहा है, x में 0 टू पाई बाय 2 है, तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट x में आएगा कितना पाई बाय 0 से पाई बाय 6 और 0 टू पाई बाय 2। देखो तो हमारा एक इंटरवल आया 0 टू पाई बाय 6, इंटरवल नहीं था, इंटरवल फाइंड किए, ये 3x में 3 पाई बाय 2 हो रहा है 0 टू 3 पाई बाय 2, और x में तुम्हारा 0 टू पाई बाय 2 है, तो x में 0 टू पाई बाय 6 आया, x में क्या आया 0 टू पाई बाय 6, अच्छा 3x में क्या आ रहा था, इंटरवल नहीं था बच्चों, इंटरवल आया, ओके 3x में क्या हुआ 0 टू ये 3 पाई बाय, नहीं इसमें 3 इंटू कर रहे कितना रहा है पाई बाय 2, ओके। देखो हमारे क्या होता है 3x में करना है बच्चों, हम क्योंकि हमारे f डैश x जो 3x में है,
अच्छा बोलो एक्स टी सी रूल, 3x में चेक करना, उसके बाद x में आएंगे। अच्छा देखो तेरा 0 to π/2 क्या हो रहा है, cos 3x लिखोगे, cos 3x लिखोगे कि तेरा cos 3x greater than 0 when 3x belongs to कितना, 0 to π/2, और x belongs to क्या होगा, 0 to कितना, π/6। हमें लेकिन चेक 3x में कर रहा है तो इसलिए 3x ये कर रहे हैं। पॉजिटिव है, इधर 3 इंटू करो बच्चा, इधर 3 इंटू करो, क्यों इंटी क्यों जानते हो, उसके बाद में f'x निकालना, क्योंकि हमारे f'x क्या है, 3 cos 3x है। इधर 3 इंटू करो, इधर 3 इंटू करो, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, इसके बाद तो इसके बाद में क्या लिखोगे, f'x ग्रेटर देन क्या हुआ, ग्रेटर देन क्या, 0 हो गए। तो यहां पर क्या करोगे, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, 3x इज इंक्रीजिंग व्हाट, 0 to 3/2, हम x में चाहे, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हाट, 0 to π/6 लिखोगे, fx इज इंक्रीजिंग 0 टू कितना, 0 to π/6, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा हम एक्चुअल 3x क्योंकि जानते हो, क्योंकि हमें cos 3x के लिए 3x के लिए चाहिए, अरे x और 3x में कंफ्यूजन मत हो। अच्छा और एक इंटरवल बच्चों की था, पाई बाय सिक्स है, हमारे x में क्या था, अरे कौन नहीं समझा, हमारा ये था पहला क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'x इक्वल टू 0 किए, तो 3x में आ रहा है, x में हमारा पाई बाय सिक्स आ रहा है, एक इंटरवल है x में 0 to π/6 और इंटरवल में π/6 से π/2, तो यहाँ 0 to π/6 क्या हुआ, f'x ग्रेटर देन 0 हुआ। फिर और एक इंटरवल है π/6 से π/2 x में, लेकिन हमें 3x उसको कन्वर्ट करना है, अगेन x बिलोंग्स टू कितना, π/6 से π/2, तो 3x बिलोंग्स टू क्या हुआ, 3x में चेक करेंगे, क्योंकि हमारा ये f'x 3x में है, 3 इंटू करो कितना, π/2 से कितना, 3π/2। अच्छा बोलो cos का तुम्हारा cos 3x बात बोलो, cos 3x का जब 3x है तो इसलिए ये है। अच्छा तुम्हारा π/2 से 3π/2 cos का क्या होता है, अरे π/2 से 3π/2 cos का क्या, हाँ लिखोगे कि तुम्हारा कि cos 3x less than 0 when x belongs to क्या, when 3x belongs to pi से क्या, 3π/2, ओके। देन तुम्हारा बच्चों इसमें 3 इंटू करो, क्योंकि इसके बदले में हम f'x लिख सकते हैं, इधर 3 उधर भी 3, तुम्हारा f'x less than 0 when 3x belongs to क्या था, 3x belongs to था π/2 से कितना, 3π/2, लेकिन हमें x में चाहिए, तो x belongs to क्या, π/6 से कितना, π/2, hence the function is decreasing in what, अरे function is decreasing in π/6 से कितना, π/2। अरे बच्चों कौन नहीं समझा, पहला इधर इसमें इंटरवल नहीं था, इसीलिए f'x इक्वल टू 0 करने से x का आया कितना, x का है π/6, क्योंकि हमें x में दिया था, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव जो करेंगे चेक करेंगे वो 0 to 3π/2 में करेंगे, क्योंकि 3x करेंगे, ओके। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है उसका चेक सिर्फ f'x में ही होता है, उसका चेक सिर्फ f'x के लिए होता है, उसी का अनुसार उसका एंगल भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। बच्चों यहां पर भी इंटरवल नहीं दिया, तुम्हें क्या करना है, पहले इंटरवल के लिए तुम्हें इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो बच्चों क्या करो, पहले उसका f', क्योंकि इंटरवल नहीं दिया, f'x करोगे, f'x इक्वल 0 करके इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, ओके। चलिए सर, तो तुम्हें क्या करो,
कि एफ एक्स इक्वल क्या दिया, यहां पर इन द कुछ यहां पर दिया एक्स जीरो टू पाई दिया है, एक्स जो है जीरो टू टू पाई दिया है। ओके लिसन, एफ एक्स इक्वल क्या दिया तुम्हारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया। पहले एफ डैश एक्स कर दो, डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चो इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को जीरो करो, क्योंकि इधर इंटरवल नहीं दिया है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन योर साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, योर टैन एक्स इक्वल टू वन। बच्चों ये लास्ट क्लास जो पढ़ा था वो अलग से मेथड, ये अभी एक अलग मेथड है, जिस मेथड में बोलो होगा। तो देखो इधर देखो, टेन एक्स इक्वल टू क्या वन, क्रिटिकल पॉइंट निकाला जा रहा है, यहाँ पर एक्स का ऊपर है और एक्स का ये दे दिया जीरो टू कितना, जीरो टू टू पाई ना, कितना दिया जीरो टू टू पाई दिया है। अच्छा ये भी एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या देखो क्या क्या क्रिटिकल, कहाँ कहाँ वन होता है बच्चों, टेन एक्स इक्वल अगर वन है तो x इक्वल टू पाई पाई फाई पाई बाई फोर, यस और नॉट, टेन फोर्टी फाइव क्या होगा वन होगा, और कहां पर वन होगा, पाई प्लस पाई बाई फोर वहां पर भी वन होगा। अरे भाई टेन पाई प्लस पाई बाई फोर, टेन वन एटी प्लस थीटा, टेन थीटा पाई प्लस पाई बाई फोर भी वन होगा, और कहां पर होगा कि, और एक होगा टू पाई प्लस पाई बाई फोर होगा, लेकिन टू पाई से नहीं लोगे तुम्हारा, टैन एक्स का वन कहां पर होता है, एक तो पाई बाय फोर में, ओके पाई बाय फोर में, और एक तो कहां पर, इधर टैन वन एटी प्लस थीटा टैन थीटा, और इधर भी हो रहा है पाई प्लस पाई बाय फोर, कितना आ रहा है बच्चों, फोर पाई फाइव पाई बाय फोर, जब थीटा क्या हो रहा है क्या फाइव पाई बाय फोर, हाँ, और कहां पर होगा, फिर कहां पर होना होगा, फिर टू पाई प्लस पाई बाई फोर, लेकिन टू पाई से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि जीरो से कितना टू पाई। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट बच्चों क्या क्या है, तो फिर एक्स इक्वल क्या पाई बाई फोर है, और एक तो क्या पाई पाई बाई फोर, ठीक है। आप भी देखेंगे अगर तो इंटरवल क्या क्या आया, एक है जीरो टू पाई बाई फोर, और एक तो पाई बाई फोर से कितना पाई बाई फोर को, यहाँ पर कोई इंटू विंटू नहीं करना है, क्योंकि थ्री एक्स उधर में था तो इसलिए थ्री इंटू कर रहे थे, इधर और जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स में ही सब कुछ करना है। तो अभी क्या करो, इंटरवल नहीं था बच्चे, इंटरवल मिल गया मुझे, एक तो जीरो टू पाई बाई फोर, और एक तो पाई पाई बाई टू क्या फोर, और एक तो भी है पाई पाई बाई फोर से कितना, हाँ टू पाई, पाई पाई बाई फोर से टू पाई, तीन टो इंटरवल मिल रहा है, जीरो टू टू पाई तक देना है। अच्छा बच्चों जीरो टू पाई बाई फोर, अच्छा जीरो टू टू पाई बाई फोर, बच्चों देखो हमारा ये एफ डैस एक्स तो, अच्छा एफ डैस एक्स क्या आया हमारा, एफ डैस एक्स थोड़ी टैन एक्स आया, ये तो क्रिटिकल पॉइंट से निकला, हमें एफ डैस एक्स के ऊपर चेक करना है। अच्छा बच्चा देखो ये हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके बच्चो, अच्छा बच्चा सुनो एक बात समझो, हमारा टैन एक्स क्या था, टैन एक्स हेल्प किया तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, एफ डैश थोड़ी टैन एक्स है तुम्हारा बच्चों, एफ डैश क्या टैन एक्स है, तो एक काम करना पड़ेगा, लिसन तुम्हारा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इंटरवल निकाल दिए, कौन सा कौन, एक इंटरवल जीरो टू पाई बाई फोर, और एक टू पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, और एक टू फाइव पाई बाई फोर से टू पाई, ओके तुम्हारा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके निकाल दिए। लेकिन हमारा एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो या माइनस जीरो ये है,
ये तो टेन एक्स में नहीं है। तो क्या करो, देखो बच्चे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। इसको वन टर्म में बनाना पड़ेगा बच्चों, वन टर्म में बनाना पड़ेगा। इसके एक लीनियर ये में करते हैं, उसका कोएफिशिएंट वन है, ये वन का स्क्वायर प्लस इसका रूट टू आ रहा है। एट क्या करो, एक तो रूट टू इंटू करो, डिवाइड कर दो, वन बाय रूट टू कॉस एक्स माइनस वन बाय रूट टू साइन एक्स, एक डिवाइड रूट टू, इसका लीनियर ये में करोगे, इसको एक वन टर्म में कन्वर्ट करना है, एक टो ये में ओके एफ डैश एस को करना है बच्चों, क्योंकि इसी का ही चेक है। अच्छा बच्चों, ये कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी लो, तो क्या करो, कॉस पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स, ये कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बच्चों, ये कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स, ठीक है। एक तो टर्म हो गया, अरे दो टो एफ डैश एस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन भी क्या है भाई, फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, ओके। अब एक टर्म हो गया, अच्छा तो हमारा इंटरवल निकला था ऑलरेडी, अभी चेक करना है। तो बच्चों ये प्लस आएगा, हाँ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन, तो हमारा एक इंटरवल क्या है क्रिटिकल पार्ट, एक इंटरवल क्या है जीरो टू पाई फोर। अच्छा बच्चों देखो, कि तुम्हारा कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स ये ग्रेटर देन जीरो होगा ना, हाँ अगर तो ग्रेटर देन जीरो होगा ना या लेस देन जीरो होगा बोलो, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय फोर बच्चों, ये ग्रेटर देन जीरो होगा ना लेस देन जीरो होगा, एक्स का वैल्यू जब तुम्हारा ये फास्ट इंटरवल मिला जीरो टू पाई बाई फोर, हाँ अरे सुनो, ये ग्रेटर देन जीरो होगा ना माइनस जीरो होगा, देखो जब तुम्हारा एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर से छोटा है, अरे जीरो टू पाई बाई फोर मीन्स इंक्लूड मी पाई बाई फोर नहीं है, एक्स का वैल्यू जब जीरो टू पाई बाई फोर है मीन्स ये नाइन्टी से कम आएगा, अरे पाई बाई फोर से हाँ 90 से कम कम आएगा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये क्या पॉजिटिव है, ओके। देन तुम्हारा रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स ये ग्रेटर देन जीरो, किसका चेक कर रहा है जानते हैं, एफ डैश एक्स का चेक हो रहा है, क्योंकि उसी का ही है, हाँ जो भी इनक्रीज डिक्रीज है एफ डैश एक्स का ही चेक करना है। तो हो गया, तो ये क्या, ये दैट इज योर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो जब एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, हाँ एक्स बिलोंग्स टू कितना, जीरो टू पाई बाई फोर, ओके। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहाँ, जीरो टू पाई बाई फोर, हेंस एफ एक्स जो है इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाई फोर, अरे समझे बच्चों, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो टू, एक्स का वैल्यू इधर पुट होगा, एक्स का वैल्यू इधर पुट होगा, जीरो टू पाई बाई फोर का अंदर कोई भी एक वैल्यू लेकर इधर पुट करो, पाई बाई फोर से छोटा है वो लेस देन 90 आएगा, लेस देन 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बच्चों और एक इंटरवल आया, अच्छा इंटरवल कैसे निकाले समझे, तो एफ डैश इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ये किया गया। नेक्स्ट और एक इंटरवल है पाई बाई फोर से पाई पाई बाई फोर, पाई बाई फोर से पाई पाई बाई फोर, दो चीज है, एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है क्योंकि इंटरवल नहीं था, और एक चीज है एफ डैश एक्स को चेक करना है ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। अभी नेक्स्ट बच्चो, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या, पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर, देखो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कितना, पाई बाय फोर से कितना था रे, फाइव पाई बाय फोर, एक्स का वैल्यू कितना पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, देखो। अच्छा बोलो बच्चो, इधर तुम्हारा जो को क्या है कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर, कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर ये ग्रेटर देन आएगा ना लेस देन आएगा, अरे भाई
कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पाई है फोर से ज्यादा लो, पाई है फोर से ज्यादा लो मीन्स यहाँ पर बच्चे पाई है फोर ज्यादा लो मीन्स तुम्हारा ये कॉस एक्स प्लस है, हाँ पाई है फोर से ज्यादा लो मीन्स ये 90 प्लस थीटा आ रहा है, 90 प्लस थीटा आ रहा है। सुनो यहाँ पर पाई है फोर डालोगे तो क्या रहा है, नॉट इंक्लूडिंग है लेकिन पाई है फोर से ज्यादा 90 हो रहा है, ये फाइव पाई है फोर डालोगे तो 270 से ज्यादा आ रहा है। तो कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इधर और इधर, कॉस एक्स का क्या है, एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, इधर कॉस एक्स क्या होता है तुम्हारा पाई बाय फोर जब डाल दोगे, ये था पाई, पाई बाय फोर प्लस एक्स था, इधर पाई बाय फोर डाल दोगे तो क्या हो रहा है, एक्स का मतलब में डाल लो से कितना पाई बाय टू आ रहा है, और एक तो पाई पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर क्या हो रहा है, 270 हो रहा है, इधर प्लस पाई बाय फोर कितना, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो तुम्हें क्या करोगे, अरे समझो एक्स का पाई बाय फोर, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर क्या आ रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, 90 प्लस थीटा, और कहाँ पाई पाई बाय फोर डालोगे 270 हो रहा है, तो पाई बाय टू से 270 क्या होता है, कॉस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। देन तुम्हारा क्या करोगे, हमें एफ डैश एक्स बनाना है, उसमें रूट टू था, रूट टू कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर, कोई भी पॉजिटिव इंटू करोगे तो साइन का कोई चेंज नहीं है, इनइक्वालिटी का। देन एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन जीरो। तो हैंस द फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज डिक्रीजिंग कितना, इन पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर, ठीक है। देन बच्चों और एक तो इंटरवल रह गया, एक तो था जीरो टू पाई बाय फोर और एक तो पाई पाई बाय टू, ये क्योंकि हमारे एक्स का दिया था जीरो टू टू पाई था, और एक तो पाई पाई बाय से कितना टू पाई। अच्छा देखो, देन अभी एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू कितना फाइव पाई बाय फोर से कितना टू पाई, तो हमारा कॉस क्या था एक्स प्लस पाई बाय फोर। अच्छा बच्चों ग्रेटर देन ना लेस देन आएगा, हमारा ए एस टी से अच्छा पाई पाई बाय फोर डालो, पाई पाई बाय फोर डालो, पाई पाई बाय फोर प्लस पाई और 270 हो रहा है, और ये टू पाई, टू पाई प्लस पाई बाय फोर, ओके। तो यहाँ पर कॉस का क्या होता है, अरे भाई इधर ये पाई बाय फोर प्लस पाई पाई फोर, ये 270 प्लस से आ रहा है, 270 एएसटीसी रूल, एएसटीसी, इधर कॉस एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है कि नहीं, 270 से प्लस में क्या आ रहा है, और तुम्हारा हाँ 270 प्लस से ये पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक पूरा तो पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा ये लिखो ग्रेटर देन जीरो, पाई पाई फोर प्लस पाई फोर, ये 270, 270 प्लस थीटा में तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का पॉजिटिव होता है, तो ये हुआ। उसके बाद इधर रूट टू इंटू करोगे कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर ग्रेटर देन जीरो, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, हैंस द फंक्शन इज व्हाट, आई एफ डैश ग्रेटर देन जीरो भाई, इंक्रीजिंग कितना इन फाइव पाई बाय फोर टू कितना टू पाई, एक्स का वैल्यू था जीरो टू टू पाई, तो इसमें तीन क्वाड्रेंट आ रहा, तीन ठोक ये आ रहा था इंटरवल, ठीक है। अच्छा हमारा थोड़ा आंसर चेक कर लो उसका, तो थोड़ा वो थोड़ा अलग सा दिया है, उसका भी सेम आया क्रिटिकल पॉइंट, ओके। तो हमारा इंक्रीजिंग कहाँ पर कर रहा है, जीरो टू पाई बाय फोर, और कहाँ पाई पाई बाय फोर से कितना टू पाई, और डिक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, ओके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बार देखो ट्रिगोनोमेट्री का, लिसन ऑल ऑफ यू, योर वाई इज गिवन, वाई इक्वल टू फोर साइन थीटा बाय टू प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, बच्चे इसका डीवी बाय डी थीटा करोगे, डीवी बाय डी थीटा, यू बाई वी मेथड, फोर को पहले बाहर रख दोगे, ओए फोर को बाहर रख, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, फोर को बाहर रख दो कांस्टेंट है, यू बाई वी मेथड, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन,
2 plus cos theta divided second function into first sin theta by b square. B square, that is 2 plus cos theta ka whole square. Okay. Then dwara bacho ye minus d theta ka derivative kitna 1 aa jayega. Dwara 4 ko bahar rakh do, derivative first function into second minus derivative second function into first by b square aur derivative theta ka minus 1. ये फोर इसे इनटू है, मैंने सात बाहर है, फोर साइन थीटा का ही है, इसका ही है फोर. ओके ठीक है. तो बच्चों डेरिवेटिव साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, अगेन टू प्लस कॉस थीटा माइनस डेरिवेटिव क्या, और टू का तो जीरो, डेरिवेटिव कॉस थीटा क्या होता है? माइनस माइनस कितना, प्लस, ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन. नेक्स्ट बच्चों देखो, फोर इंटू कर दो और टू प्लस कॉस थीटा का भी एलसीएम ले लो. तो ये तुम्हारा फोर टू, ये टू इज कॉस थीटा इंटू टू क्या होता है, टू, टू कॉस थीटा फोर भी है, ये एट कॉस थीटा, ये कॉस का थीटा फोर भी इंटू होगा, प्लस फोर कॉस का थीटा, अगेन प्लस प्लस फोर साइंस का थीटा, ये फोर हो जाएगा बच्चों, फोर कॉमन है, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा वन हो जाएगा. ये तुम्हारा डायरेक्ट इंटू होगा, टू प्लस कॉस थीटा वन से डायरेक्ट इंटू होगा, ये आएगा, ये माइनस है, क्या आएगा, ये डाइड इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस फोर कॉस थीटा. बच्चों ये टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डाइड वन से इनटू हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू टू जब फोर कॉस थीटा आएगा. ओके नेक्स्ट बच्चों, ये तुम्हारा एट कॉस थीटा, यहाँ पर फोर कॉमन ले लोगे, फोर कॉमन ले, कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा वन हो जाएगा, तो प्लस फोर आएगा, ये माइनस फोर माइनस कॉस का थीटा माइनस फोर कॉस थीटा. बच्चों फोर कॉमन ले लो, कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा वन हो जाएगा, तो फोर इंटू वन फोर आ जाएगा, ये माइनस फोर माइनस कॉस का थीटा माइनस फोर कॉस थीटा डिवाइड बाय टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अच्छा प्लस फोर माइनस फोर कट जाता है बच्चों. ओके देन तुम्हारा ये आ रहा है, ये एट कॉस थीटा माइनस फोर कॉस थीटा, ये फोर कॉस थीटा माइनस कॉस का थीटा डिवाइड बाय टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अच्छा बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लो. ओके ये फोर माइनस कॉस थीटा, ये टू प्लस कॉस थीटा का क्या, टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ओके अच्छा बच्चों ये क्या करोगे, तुम्हारा लिखोगे कि तुम्हारा तुम्हारा क्या लिखोगे, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो इन क्या, क्या था इंटरवल, लो दिया, दे दिया इंटरवल जीरो टू पाई बाय टू, ये जीरो टू पाई बाय टू दे दिया. देखो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, जीरो टू कितना, पाई बाय टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगेन तुम्हारा फोर माइनस कॉस थीटा, फोर माइनस कॉस थीटा इज ऑल्सो क्या, ग्रेटर देन जीरो, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज व्हाट, इज वन, हाँ मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा इज वन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या इज माइनस वन. तो तुम्हारा तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वन भी होने से क्या होगा, ये प्लस आएगा,
मैक्सिमम वैल्यू वन भी होने से थ्री आएगा तो ये क्या पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा भी क्या होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है एंड तुम्हारा टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये भी क्या ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके सो तुम्हारा लिखोगे यहाँ पर ये तुम्हारा एफ डैश एक्स, इसके बदले में एफ डैश एक्स लिख दोगे ग्रेटर देन जीरो इन थीटा बिलोंग्स टू एफ डैश थीटा ग्रेटर देन जीरो इन थीटा जो कितना जीरो टू कितना पाई बाय टू, हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाय टू। ऐसे ही बच्चों उसका प्रूफ है तुम्हारा। ओके हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाय टू। लेजर तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा दिया है इक्वल टू कॉस एक्स बच्चे एफ डैश एक्स सब कुछ एफ डैश में एक्स में होगा। देखो एफ डैश एक्स क्या होता है कॉस एक्स का डायरेक्ट क्या रहे माइनस साइन एक्स साइज बच्चों ये डिक्रीजिंग साइज आएगा थोड़ा देखो ये माइनस साइन एक्स रहा है देखो दो लिखोगे साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स बिलोंग्स टू कितना जीरो टू पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स ये ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एस टी सी जीरो टू पाई बाय टू सब पॉजिटिव है तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो तो माइनस साइन एक्स माइनस मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा लेस देन जीरो दैट इज एफ डैस एक्स लेस देन जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या जीरो टू पाई बाय टू तो द फंक्शन कॉस एक्स डिक्रीजिंग इन व्हाट जीरो टू पाई बाय टू से ग्राफ भी करने से जान सकते हो कॉस जीरो डिग्री कितना रहे कॉस जीरो डिग्री वन कॉस नाइनटी जीरो तो जीरो टू पाई बाय टू कॉस एक्स का क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। ओके कॉस जीरो डिग्री वन कॉस नाइनटी जीरो तो डिक्रीजिंग होता है कॉस एक्स का तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू कितना पाई बाय टू। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू कॉस टू एक्स बच्चो तुम्हारा कॉस टू एफ एक्स इक्वल क्या दिया सेकेंड बिट कॉस टू एक्स एफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स बच्चो सुना ये तुम्हारा एफ डैश एक्स करो पहला 2x का डेरिवेटिव 2 देन माइनस टू साइन 2x बच्चों अच्छा x का क्या था 0 टू पाई बाय 2 x का था 0 टू पाई बाय 2 तो 2x का क्या हो रहा है 0 टू पाई हमें 2x में चेक करना है लेकिन देखना है x में तो जो यह 2x था उसी तरह 3x में चेक किए थे तो यहां पर क्योंकि तो थीटा 2x है तो 2x में किए बच्चों सुनो जीरो टू पाई एस टी सी रूल साइन टू एक्स क्या होता है लोगो साइन टू एक्स ग्रेटर देन जीरो व्हेन टू एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई हाँ एक्स का जीरो टू पाई तो टू एक्स का ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि टू एक्स का ऊपर है देन तुम्हारा एफ डैक्स हुआ ये एक्स का जीरो टू पाई बैठ तो टू एक्स का जीरो टू पाई हो रहा है तो तुम्हारा साइन टू एक्स जब पॉजिटिव है इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस टू साइन टू एक्स क्या होगा लेस देन जीरो माइनस मल्टीप्लाई तो साइन ये इसके बदले एफ डैश एक्स लिखना है हेंस फंक्शन इज व्हाट डिक्रीजिंग फंक्शन कॉस एक्स डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाय टू तुम्हारा हाँ लिखोगे फंक्शन cos 2x is decreasing decreasing when x जो है बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई टू टू एक्स का टू एक्स था जीरो टू पाई देन एक्स का आएगा क्या जीरो टू पाई बाई टू। ओके नेक्स्ट तरह उसी तरह है
cos 3x वो जो थर्ड बिट है एफ एक्स इक्वल टू कॉस थ्री एक्स। अच्छा एफ डैश एक्स पे करो माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, पहला थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री है, कॉस थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स। अच्छा एक्स का क्या था जीरो टू पाई बाई टू, तो थ्री एक्स का क्या आ रहा है जीरो टू थ्री एक्स थ्री पाई बाई टू। तो यहाँ पर थ्री एक्स का चेक करना है क्योंकि वो एफ डैश एक्स है, जीरो पाई बाई टू और क्या द्वारा पाई और थ्री पाई बाई टू। अच्छा अच्छा जीरो टू थ्री पाई बाई टू किसका, तो जीरो टू पाई पॉजिटिव पाई से थ्री पाई बाई टू क्या नेगेटिव है, बहुत आ रहा है क्या करें इसमें। तो यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पर सिर्फ बोला था चेक कर कौन डिक्रीजिंग है बोल के, तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके देन बच्चों इसका कुछ है? आया नहीं बच्चों इसका। ओके एफ डैश एस का कुछ नहीं है क्योंकि ये जीरो टू थ्री पाई बाई टू पॉजिटिव होता है और क्या एफ डैश ग्रेटर देन जीरो भी होता है और एफ डैश एक्स लेस देन भी जीरो होता है, तो बोथ हो रहा है इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो नेक्स्ट पर एफ एक्स इक्वल टू टैन एक्स, ये इंक्रीजिंग आएगा बच्चों शायद, देखते डेरिवेटिव में टैन एक्स का था डेरिवेटिव बनाओ डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारा स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, तो लिखोगे सेक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या जीरो टू पाई बाई टू, नेगेटिव जो भी स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हेंस एफ एक्स टैन एक्स इज इंक्रीजिंग। वन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, एक्चुअली इसका टैन एक्स का ग्राफ भी करोगे टैन जीरो डिग्री जीरो बच्चो, तो टैन जीरो डिग्री क्या होता है जीरो, टैन थर्टी टैन फोर्टी फाइव वन टैन फोर्टी फाइव वन टैन थर्टी ऐसे जा रहा है इसका, ऐसे ग्राफ जाएगा, ये इंक्रीजिंग होगा टैन का टैन थर्टी ये टैन फोर्टी फाइव वन टैन सिक्सटी रूट थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री ये इसे इंक्रीजिंग आएगा, तो टैन एक्स जीरो टू पाई बाई टू इंक्रीजिंग होता है।